हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 6, और जिसका नाम है अनएम्प्लॉयमेंट। इसके पहले हम लोगों ने पॉवर्टी वाला चैप्टर फिनिश किया था। वो चैप्टर आप अच्छे से देखना, क्योंकि वो चैप्टर कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है तो उसी की वजह से पॉवर्टी इंक्रीज होती है। एक रीजन ये भी है पॉवर्टी इंक्रीज होने का, तो वो चैप्टर अच्छे से देखना ताकि ये चैप्टर भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, हम किस पर्सन को अनएम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं, राइट, और कैसे पर्सन को अनएम्प्लॉयड नहीं बोल सकते हैं। ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। प्लस अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स कितने होते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज में और डेवलपिंग कंट्रीज में कैसा होता है, इसके कॉजेस क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, ये ऐसी अलग अलग चीजों को हम सीखने वाले हैं इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 अनएम्प्लॉयमेंट में। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं वन बाय वन। आज की वीडियो में हम बेसिकली सीखेंगे मीनिंग एंड टाइप्स, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास और समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो बेसिक चीज आपको समझना है कि जब भी हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो हम बेसिकली बात करते हैं 15 to 64 ईयर्स की एज वाले ग्रुप को, राइट। याद रखना है कि जब भी हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो बेसिकली हम कौन सा एज ग्रुप काउंट करते हैं, बिटवीन 15 to 64 ओनली। अब ये एक सिचुएशन है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, एक तरह की सिचुएशन है। अब ये कैसे सिचुएशन है, ये एक ऐसी सिचुएशन है इन विच अ पर्सन विलिंग टू वर्क एट करेंट वेज रेट। सी बेसिकली अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क, मतलब जिस भी पर्सन की लेते हैं, जैसे अगर मान लो मैं अपनी बात करता हूँ मिस्टर अमित की, ठीक है, मान लो अमित नाम का पर्सन मैंने उसको लिया, तो वो विलिंग टू वर्क है, मतलब काम करना चाहता है एट करेंट वेज रेट। इट मींस कि मार्केट में जो भी वेज रेट है उस रेट के बेसिस पे वो काम करना चाहता है, प्लस एबल टू वर्क, वो काम करने के लिए काबिल भी है, उतना नॉलेज भी है, बट स्टिल डज नॉट गेट वर्क, देन ही विल बी नोन एज अनएम्प्लॉयड, राइट। तो इसमें जो तीन चीजें हैं वो आपको याद रखनी है। क्या क्या तीन चीजें याद रखनी है, सबसे पहला पॉइंट है विलिंग टू वर्क, पहला ये होना चाहिए कि द पर्सन शुड बी विलिंग। सेकंड, ही शुड वर्क एट अ करेंट वेज रेट। अब ऐसा नहीं कि अगर मान लो किसी से जॉब में बेसिकली 20,000 नॉर्मली मिलता तो बोल दे नहीं मेरे को तो 80,000 चाहिए, नहीं, वो ऐसा डिमांड नहीं करे, करेंट वेज रेट पे काम करने के लिए रेडी हो, मार्केट में जो रेट चलता है वो, राइट। प्लस ही इज एबल टू वर्क, स्टिल डज नॉट गेट वर्क, देन ही विल बी नोन एज अनएम्प्लॉयड, राइट। Only those people who are able to work are included. Basically, when we are talking about the unemployment, basically हम उनको ही include करते हैं. Actually, mean जो काम करने के लिए ready है. Only those people who are able to work, जो काम कर सकते हैं. It means, अब इसका मतलब क्या हुआ? It means the children, elderly people, weak people, people who do not want to work or not active part of work, these are not problem for a country. देखो, कंट्री के लिए प्रॉब्लम क्या है, जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, या जब भी हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयड की, तो बेसिकली हम किन लोगों को काउंट नहीं करते हैं, तो वो है चिल्ड्रंस। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी छोटी है बट आपके एग्जाम्स में 1-1 मार्क्स में आपको काम आ सकता है, 2 मार्क्स में काम आ सकता है, एमसीक्यूज में काम आ सकता है, इसलिए अच्छे से समझना इस बात को, राइट। तो हम किन लोगों को इंक्लूड नहीं करते, चिल्ड्रन, एल्डरली पीपल, जो एजेड लोग होते हैं, वीक पीपल, जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं होती है, और हु डू नॉट वांट टू वर्क, और मान लो कोई काम ही नहीं करना चाहता है, और नॉट एक्टिव पार्ट ऑफ वर्क। अब जैसे मान लो मैं अपनी बात करता हूँ, ठीक है, मान लो कि एक अमित नाम का कोई पर्सन है, उसकी बात करते हैं, अगर मान लो कि उसको एक जॉब ऑफर होती है, ठीक है, उसको एक जॉब ऑफर होती है जो वो काम करना चाहता है, मतलब जो वो काम कर सकता है प्लस करेंट वेज रेट पे, और उसको बोला गया भाई तुम्हें 20,000 पर मंथ मिलेगा, लेकिन वो बोलता नहीं मेरे को काम ही नहीं करना, हु डू नॉट वांट टू वर्क, उसको काम ही नहीं करना, वहां से चला आता है। तो अब ऐसे लोगों को अनएम्प्लॉयड में इंक्लूड नहीं करते, प्लस ऐसे लोग कंट्री के लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कंट्री इनके बारे में क्यों सोचे, जब ये खुद इनको ऑफर मिल रहा है सामने से, ये नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स हम इनको साइड में करके हम एक्चुअल उन पर फोकस करेंगे जिनको काम की जरूरत है, जो काम करना चाहते, स्टिल दे आर नॉट गेटिंग वर्क, राइट। सो इकोनॉमिकली, अब देखो इन सब का होता क्या है, इकोनॉमिकली डिपेंडेंट, देखो जब एक पर्सन जो है अगर अनएम्प्लॉयड होता है तो वो क्या होता है, किसी ना किसी अदर पर्सन पे वो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होता है। अगर मान लो तुम काम नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली तुम अपने फैमिली के ऊपर डिपेंड होगे, प्लस कांट लिव इन अ सोसाइटी विद डिग्निटी, सो इट क्रिएट्स सोशल, एथिकल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम। अब होता क्या है कि एक पर्सन जब उसकी एक नॉर्मल एज हो जाती है जिसमें उसको जॉब करने से होता है ना, कि आजकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, जो ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पीजी कर लेते हैं, डिग्री ले लेते हैं, उसके बाद भी अगर जॉब नहीं मिलता है तो सोसाइटी में हर दूसरा पर्सन को बोलता है बेटा जॉब क्यों नहीं कर रहे, स्पेशली वो जो रिश्तेदार टाइप्स के लोग होते हैं ना, तो ये सिचुएशन, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं सोचा मैं रिश्तेदारों को कुछ बोल रहा हूँ, एक जो फैक्ट है सोसाइटी का वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि होता क्या है कि उनको बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी डिग्निटी जो है, उनका आत्मसम्मान टाइप की बात होती है, वो नहीं मिल पाता है। सो इट क्रिएट सोशल, एथिकल एंड
पॉलिटिकल प्रॉब्लम। अब इससे क्या होता है, सोशल प्रॉब्लम हो सकता है, एथिकल कुछ गलत काम कर दे, पॉलिटिकल तौर पे भी कुछ गलत काम कर दे, राइट। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है, पॉलिटिक्स के लिए भी ये सही नहीं है, राइट। तो अब ये तो आपका था अनएम्प्लॉयमेंट का नॉर्मल एक्सप्लेनेशन, राइट। और जब अगर बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन क्या है, तो ये आपका डेफिनेशन है, ये मीनिंग है, या मैं बोल सकता हूँ इसको डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन के तौर पे याद रखना है, बाकी जो चीजें हैं वो छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है कि कौन कौन से पर्सन को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, राइट। और इसका रिजल्ट क्या होता है, जो पर्सन अनएम्प्लॉयड होते हैं उनका सिचुएशन कैसा होता है, दे आर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट एंड कांट लिव इन अ सोसाइटी विद डिग्निटी, सो इट क्रिएट्स सोशल एथिकल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, जब हम टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो बेसिकली हम यहाँ पे दो सिचुएशंस देखते हैं, एक डेवलप्ड कंट्री का और एक डेवलपिंग कंट्री का। व्हेन वी टॉक अबाउट द डेवलप्ड कंट्रीज, राइट, तो डेवलप्ड कंट्री में प्रॉब्लम क्या है, लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड। ड्यू टू लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड की वजह से जो अनएम्प्लॉयड क्रिएट होता है वहां पे ये होता है, ये डेवलप्ड कंट्रीज में होता है कि डिमांड अभी नहीं है, इस वजह से ऐसा सिचुएशन हुआ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज ड्यू टू ट्रेड साइकिल, ये प्रोडक्ट्स के ट्रेड साइकिल्स होते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है, एंड दे आर फॉर अ शॉर्ट टर्म। एग्जांपल के तौर पे साइक्लिकल एंड फ्रिक्शनल, राइट, ये अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, व्हाट इज साइक्लिकल एंड व्हाट इज फ्रिक्शनल, ये भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। तो अभी बस इतना समझो कि जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वहां पर ड्यू टू इफेक्टिव डिमांड होता है, लाइक आई मीन लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड होता है, और ये लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड अराइज क्यों होता है, ड्यू टू ट्रेड साइकिल। अब ये जो सिचुएशन है ट्रेड साइकिल वाला, इट इज अ only for a short term period, right? अगर means ये short term के बाद ये solve हो जाएगा। और अगर बात करते हैं types की, कौन कौन से situation create होते हैं developed countries में, तो वहाँ पे cyclical and frictional type के unemployment situation हो सकती है। When we talk about the developing countries, यानी हमारे जैसे countries की, तो यहाँ की जो सबसे बड़ी problem है due to high population growth, यहाँ पे हाई पॉपुलेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्रिएट होता है। जैसे हम बात करते हैं हमारे इंडिया की, पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे हैं, जो ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के नंबर्स हैं वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे हैं, बट इंक्रीज इन लेबर सप्लाई कॉन्स्टेंट इंक्रीज हो रहा है, बट उनके अकॉर्डिंग उनको जॉब्स नहीं मिल रहे, उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको काम नहीं मिल रहा है। और ये कैसा स्ट्रक्चरल लिमिटेशन है, ये हमारे कंट्री का लिमिटेशन है, स्ट्रक्चरल लिमिटेशन हमारे पूरे कंट्री का जो स्ट्रक्चर है उसका एक कमजोरी है, जिसकी वजह से लोगों को जॉब नहीं मिलता, और ये जो है वो कैसा है, फॉर अ लॉन्ग टर्म के लिए है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं कि एक एक चीज को हम लोग समझते हैं डिटेल में। अब एक चीज और याद रखना है, टू नो द नेचर एंड टाइप्स, श्री राजकृष्णा कमिटी रिपोर्ट इन 2011-12 गिवन फोर मेजर्स। अब याद रखना है कि नेचर एंड टाइप्स को स्टडी करने के लिए एक कमिटी बनाया था, और उस कमिटी का नाम क्या था, श्री राजकृष्णा कमिटी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस, एमसीक्यूज एंड वन मार्क्स में ये पूछते हैं, राइट, कि नेचर एंड टाइप्स के अकॉर्डिंग स्टडी करने के लिए इसको अपॉइंट किया था, कौन सी कमिटी प्रिपेयर किया था, श्री राजकृष्णा कमिटी। कब प्रिपेयर किया था, 2011-12, और इन लोगों ने किया क्या, इन लोगों ने फोर मेजर्स दिए थे। क्या मेजर्स दिया था, एक ये है टाइम, एक इनकम, और एक विलिंगनेस, एंड एक प्रोडक्टिविटी। चार चीजों के इन्होंने कंसिडर किया था, एंड उसके अकॉर्डिंग इन लोगों ने समझाया था, क्या बताया था, कि इफ अ पर्सन डज नॉट गेट अ वर्क ग्रेटर देन 28 आवर्स पर वीक, इट मीन्स कि अगर एक पर्सन 28 घंटे से ज्यादा भी काम नहीं मिलता है उसको, कब, पर वीक में, इट मीन्स ही इज इंटेंशली अनएम्प्लॉयड। बेसिकली उसको हम क्या बोलेंगे, इंटेंशली अनएम्प्लॉयड, राइट। लेकिन अगर कोई पर्सन है 28 से ज्यादा लेकिन 42 से कम टाइम के लिए उसको जॉब मिलती है, देन ही इज नोन एज लेस इंटेंस अनएम्प्लॉयड, राइट। अनएम्प्लॉयड वो भी बोलेंगे, लेकिन उसको कौन सा बोलेंगे, लेस इंटेंस, राइट। इट मीन्स अगर 42 से ज्यादा है तो देन यू आर नॉट एम्प्लॉयड। तो ये बेसिकली था टाइम के बेसिस पे। तो याद रखना है दो चीजें हैं, इफ यू आर गेटिंग अ वर्क मोर देन 28 आवर्स बट लेस देन 42, यू आर लेस इंटेंस अनएम्प्लॉयड। बट इफ यू आर नॉट एबल टू गेट लेस देन 28 आवर्स पर वीक, राइट, देन इट मीन्स यू आर इंटेंसली अनएम्प्लॉयड। नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड पॉइंट, दैट इज इनकम। ये चार पॉइंट्स इन्होंने बताया था, जिसमें इन्होंने फर्स्ट टाइम को डिस्कस किया था, सेकंड पॉइंट में डिस्कस किया था इनकम को। अब इनकम में इन्होंने क्या बोला कि रिक्वायर्ड 3000 पर मंथ फॉर सेटिस्फाइंग नीड बट अर्निंग ओनली 15,000, नो नो, यहाँ पे मैं 30,000 करता हूँ, राइट, रिक्वायर्ड 30,000 पर मंथ फॉर सेटिस्फाइंग नीड बट अर्निंग ओनली 50,000 और लेस। अब जैसे एक पर्सन की जो नॉर्मल रिक्वायर्ड चीजें हैं, जैसे अगर मान लो कोई सिटी में रहता है, जो हमारे मेगा सिटीज हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, जैसे कि मान लो मुंबई में रहता है कोई पर्सन, ठीक है, तो मुंबई में रहता है तो वहाँ की जो लाइफस्टाइल है उसमें एक मिनिमम रिक्वायर्ड सैलरीज होती है, राइट, जैसे मान लेते 30,000 है, तो अगर मान लो उसकी रिक्वायर्ड सैलरी 30,000 है एंड वो उसको जॉब मिली है सिर्फ 15,000 की, राइट, तो इट मींस कि वो इनकम के बेस पे क्या है, अनएम्प्लॉयड है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द विलिंगनेस। बात करते हैं विलिंगनेस की।
if he does not get a job as per his eligibility and accepts lower cadre job, CA work as a clerk. अब समझो बात को, अगर कोई person है, qualified है, well educated है, but still he is not getting a job according to his eligibility and accepts a lower cadre job. जैसे for example, मैं तुम्हें समझाता हूँ, कुछ दो से तीन साल पहले की बात है, south side में, exactly मुझे place नहीं याद है, ये newspaper में आया था, google करोगे तुम्हें exactly मिल जाएगा. News में क्या आया था कि एक प्यून के लिए job निकली थी government में, गवर्नमेंट ऑफिस में प्यून के लिए जॉब निकली थी. तो अब उसमें हुआ क्या था कि 30,000 से ज्यादा पीएचडी स्कॉलर्स ने अप्लाई किया था फॉर अ प्यून. अब इससे क्या पता चलता कि अगर कोई पर्सन पीएचडी क्वालिफाइड है देन डेफिनेटली वो काफी ज्यादा एजुकेटेड है और वो प्यून तो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है, राइट? क्योंकि भले इससे कोई बड़ा जॉब मिल जाए या हो सकता है इससे पीएचडी के लेवल का जॉब नहीं मिले लेकिन उससे भी छोटा मिल जाए, बट प्यून ये बहुत ही लो लेवल का, राइट? लो लेवल कैडर जॉब. इट मींस कि वो अपने विलिंगनेस के अकॉर्डिंग, जैसा वो चाहता था उसके अकॉर्डिंग उसको वर्क नहीं मिल रहा है, देन ही विल बी नोन एज अनएम्प्लॉयड. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एग्जांपल लिखा वो भी देख सकते हो, सीए वर्क एज अ क्लर्क, राइट? जो सीए है उसने सीए किया हुआ है, इतना क्वालिफाइड है, उसके बावजूद उसको जॉब नहीं मिल रही है, देन उसको क्लर्क का काम करना पड़ रहा है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज अ प्रोडक्टिविटी. अब प्रोडक्टिविटी में क्या है, कैपेसिटी टू मेक 20 मीटर क्लोथ्स पर डे गेट्स जॉब फॉर ओनली 10 मीटर क्लोथ्स. अब देखो एक पर्सन की जो कैपेबिलिटी है, उसकी जो काम करने की कहते हैं ना कैपेसिटी है, वो ये है कि वो 20 मीटर क्लोथ्स बना सकता है पर डे में, राइट? वो इतना काम कर सकता है कि 20 मीटर क्लोथ बना सकता है, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, उसे सिर्फ 10 मीटर क्लोथ्स बनाने के लिए ही जॉब मिल रहा है. देन वो अपनी प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, लो कैडर वर्क कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनएम्प्लॉयड बोलेंगे, राइट? तो ये श्री राजकृष्णा कमेटी 2011-12 इन्होंने चार पॉइंट्स बोला था, टाइम, इनकम, विलिंगनेस एंड प्रोडक्टिविटी. सो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब बात करते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की, राइट? अब डिस्कस करें टाइप्स की, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का दूसरा नाम है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट. दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो भी क्लास में डिस्कस करने वाले आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको पूछा जाता है, ठीक है? 11, 12 आगे भी बहुत काम आएगा. जैसे अभी इस साल नहीं पूछा गया तो टेंशन नहीं लेना कि कभी नहीं आएगा, अगले साल जाओगे कुछ भी करोगे अगर कॉमर्स से रिलेटेड डेफिनेटली आएगा ये. ओके, तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का जो दूसरा नाम है वो याद रखना है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट. क्या नाम है? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट. बेसिकली जो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो कहां देखने को मिलता है, कॉमनली कंट्रीज लाइक इन इंडिया. इट मींस जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होता है, उनका स्ट्रक्चरल जो सिचुएशन है वो अच्छा नहीं होता, लिमिटेशन जो है ऐसा होता है, तो वहां पे ये टाइप्स के जॉब जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो दिखता है. देखो यहाँ पे टू मेनी पर्सन आर इम्प्लॉयड एट अ गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, इवन फ्यू पर्सन आर रिमूव्ड फ्रॉम वर्क, प्रोडक्टिविटी डज नॉट चेंज. तो देखो जो डेफिनेशन है वो ये इंक्लूड करता है. क्या इंक्लूड करता है? इफ टू मेनी पर्सन आर इम्प्लॉयड एट अ गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. क्या याद रखना है? इफ टू, वेट मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ, if too many persons are employed at a given level of technology, याद रखना ये word, given level of technology, even few persons are removed, अगर मान लो तुमने कुछ लोगों को निकाल भी दिया है, still the production does not change, मतलब production में कोई भी decrease नहीं होता है. So the number of workers engaged in a job much than number of people actually need. ये दूसरी लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं, the number of workers engaged in a job much than the number of people actually need, या more than the number of actually need, मतलब जितना तुम्हें जरूरत उससे ज्यादा लोग लगे हुए हैं, तो भी उसको हम क्या बोलेंगे, जो एक्स्ट्रा पर्सन उसको अनएम्प्लॉयड बोलेंगे. अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है, ओवर पॉपुलेटेड डेवलपिंग कंट्रीज. ये सिचुएशन होता कहाँ पर है, बेसिकली ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज में होता है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया लाइक इंडिया. ओके, अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, इन सब चीजों का रिजल्ट क्या आता है, द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज जीरो. मतलब वो जो एक्स्ट्रा पर्सन आ रहा है उसके आने न आने से कोई फर्क नहीं हो रहा है, जो प्रोडक्शन इंक्रीज होना चाहिए वो प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा है. अब एक एग्जांपल मैं तुम्हें सिंपल सा समझाता हूँ. नॉर्मली जो हमें एग्जाम्पल सिखाया जाता है वो फार्मर्स यानी एग्रीकल्चर का सिखाया जाता है. अब उसमें कैसे होता है कि जैसे एक मान लो आपके पास एक लैंड है, ठीक है, इतना बड़ा. अब यहाँ पे अगर तीन लोग काम करते हैं, थ्री पीपल्स, ठीक है, अगर तीन पीपल काम करते हैं तो भी काम चल जाएगा, लेकिन मान लो इनकी फैमिली में जो लोग हैं वो लोग भी यहीं पे ऐड हो जाते, मतलब ये हुआ कि दो लोगों और ऐड हो गए, ठीक है, टू पर्सन और ऐड हो गए. अब जब टू पर्सन और ऐड हो गए, लेकिन जो काम है, आई मीन जो रिजल्ट है, ठीक है, जो रिजल्ट है वो जैसा इन तीनों के रहने पे था वैसा ही इन दोनों के आने के बाद भी सेम है.
मतलब रिजल्ट में कोई चेंज हुआ, मतलब प्रोडक्टिविटी में कोई चेंज नहीं हुआ। और जब प्रोडक्टिविटी में कोई चेंज नहीं हुआ, इट मीन्स टेक्निकली देखा जाए तो ये जो 2% आए हुए हैं ये क्या है, अनएम्प्लॉयड है, राइट। तो इसी को बोलते हैं डिस्गाइज्ड और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, नाउ आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। अब इंडिया में कैसा है, पॉपुलेशन इंक्रीजेस, डिमांड डिमांडिंग एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। देखो यहाँ पे सिचुएशन कैसा हो रहा है कि कंटिन्यूसली पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, जैसा मैंने कहा कि जो ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट की कंटिन्यूसली डिमांड इंक्रीज हो रही है। बट प्रॉब्लम क्या है, पुअर डेवलप्ड सेक्टर्स, हमारे कंट्री में जितनी भी सेक्टर्स हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं है। सो हैवी बर्डन है एग्रीकल्चर सेक्टर, जो विलेज एरियाज है वहां पे आज भी अगर जॉब नहीं मिलता है तो मोर देन 52 पीपल आर वर्किंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब वो भी क्या करें उसी में जाके एड हो जाते हैं। लेकिन अगर मान लो लेबरर्स रिमूव, अगर उनको रिमूव भी करते देन ऑल्सो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट विल नॉट डिक्रीज, जो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया। अब इसका रीजन ये है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है, जीरो, मतलब इनके आने की वजह से रिजल्ट में कोई चेंज नहीं हुआ था। जैसा मैंने कहा कि जो रिजल्ट इनके आने से पहले था वही आने के बाद है, रिजल्ट में अगर कोई चेंज नहीं हुआ है मतलब हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, जीरो है। अब सिचुएशन देखो ये कहां कहां हो जाता है, नॉर्मली वहां पे जिनका खुद का बिजनेस होता है जिसको हम बोलते हैं फैमिली बिजनेस, लेबर बॉर्न बाय फैमिली, नो मनी पैड। अब होता क्या है, जो फैमिली वर्क होता है, जैसे वहां पे अगर मान लो एक फैमिली बिजनेस, मान लो दुकान है, तो दुकान में मान लो सिर्फ पापा काम करते थे, कि मान लो भाई आ गया वो भी काम करने लगा, ठीक है, पापा भाई नहीं है तो मान लो मम्मी या उसकी बहन कभी कभी बैठ जाते हैं, तो सिचुएशन क्या हो रहा है, देखा जाए तो चार लोग काम कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन थोड़ी इंक्रीज हो रहा है, जो प्रोडक्टिविटी वो इंक्रीज नहीं हो रहा, तो उतना ही है, राइट। दैट्स व्हाई इसमें बोला है कि जो खुद के बिजनेस होते हैं लेबर बॉर्न बाय फैमिली, उनको कोई एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करते हैं, अब उनको थोड़ी उनको एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है, राइट। इट मीन्स कि वो भी टेक्निकली देखा जाए तो क्या है, अनएम्प्लॉयड है। एग्जांपल जो दिया फार्मर्स का, जो मैंने दिया था 10 हेक्टर लैंड है, मान लो कितने हेक्टर्स लैंड है, 10 हेक्टर लैंड है और 5 पीपल कैन वर्क, 5 लोग काम कर सकते हैं, अनअवेलेबिलिटी ऑफ वर्क की वजह से, मतलब अदर सेक्टर्स में वर्क्स प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, सो मोर 3 पीपल जॉइन प्रोडक्शन, सॉरी जॉइंड एंड प्रोडक्शन डज नॉट इंक्रीजेस। अब सिचुएशन क्या हुआ कि 3 और लोगों ने ज्वाइन किया पर उन तीनों के ज्वाइन करने की वजह से भी प्रोडक्शन जो है वो चेंज नहीं हुआ। इट मीन बेसिकली इफ वी सी दीज 3 पीपल आर हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी हिडन अनएम्प्लॉयड, हिडन और डिस्गाइज्ड, राइट। ओके, तो ये था आपका डिस्गाइज्ड का मतलब, वो पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर दिया मैंने। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज जिसका नाम है साइक्लिकल। अब ये साइक्लिकल क्या है, बेसिकली साइक्लिकल वहां पे देखने को मिलता है जहां पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है, जैसा अभी मैंने एग्जांपल दिया था डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में, तो उसमें एक आया था साइक्लिकल का, राइट। तो ये ज्यादातर कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज जो होते हैं वहां पर होता है। इन्वेस्टर एंड सेविंग्स आर डिस्टिंक्ट क्लासेस क्रिएट्स डिस इक्विलिब्रियम। और सिचुएशन क्या है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं और जो सेविंग्स वाले होते हैं ये दो अलग अलग टाइप्स के लोग हैं, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, क्रिएट्स डिस इक्विलिब्रियम कंट्री में, इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सम टाइम फेसेस प्रॉस्पेरिटी एंड सम टाइम डिप्रेशन। कंट्री का सिचुएशन क्या होता है, कभी बहुत अच्छा होता है तो कभी बहुत बुरा होता है। अब देखो जब बहुत अच्छा होता है, जब फेसेस प्रॉस्पेरिटी, जब सिचुएशन कंट्री में बहुत अच्छा है तो क्या होगा, हाई इन्वेस्टमेंट होगा, लोग पैसे ज्यादा लगा रहे हैं, तो क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, सॉरी प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो इसकी वजह से लोगों की सैलरी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये कब होगा, जब कंट्री में जो सिचुएशन है वो अच्छा है, पॉजिटिव सिचुएशन चल रहा है, तो कंटिन्यूसली लोग इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, लोगों को जॉब मिलती रहेगी, और लोगों को जॉब मिलेगी इट मीन्स डेफिनेटली देयर विल इनकम विल इंक्रीज, राइट। लेकिन अगर मान लो नेगेटिव सिचुएशन है, मतलब डिप्रेशन है, तो क्या होगा, रिडक्शन इन डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रॉब्लम क्या होगा कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी डिमांड क्या होगी, रिड्यूस होगी, इट मींस डिक्रीज होगी। अब होगा क्या, ड्यू टू दिस रिड्यूस प्रोडक्शन और शट डाउन प्रोडक्शन। अब होगा क्या कि ये लोग क्या करेंगे, अपना जो प्रोडक्शन है वो क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, या तो जो इनका प्रोडक्शन यूनिट है उसको ही पूरा बंद कर देंगे। एंड मेनी लेबरर्स आर रिट्रेंच्ड फ्रॉम वर्क। अब सिचुएशन क्या था, बहुत सारे वर्कर्स को निकाल दिया जाता है। जैसे मैं सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, जो हमारे कंट्री में भी लॉकडाउन की वजह से सिचुएशन हुआ था, बहुत सारी कंपनियों में से जो वर्कर्स थे उनको निकाल दिया गया था, राइट। तो वो भी एक तरह का ये साइक्लिकल है, जैसे ही सिचुएशन सही होगा लोगों को वापस जॉब मिलने लगी। हुआ कि नहीं, जब मार्च में लॉकडाउन अनाउंसमेंट हुआ था, स्टार्टिंग के 4 महीने तक बहुत सिचुएशन डाउन था, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा गवर्नमेंट ने छूट देना स्टार्ट कर दिया कि जाओ यू कैन डू वर्क लेकिन 50% कैपेसिटी से, 20% 30% कैपेसिटी से, तो धीरे धीरे लोगों को जॉब मिलना स्टार्ट हो गया, राइट। दैट्स व्हाई ये बोला, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कॉल्ड साइक्लिकल और डिप्रेसिव और ट्रेड साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट। तो याद रखना इसके 3 नाम है, क्या क्या नाम है इसके, साइक्लिकल, डिप्रेसिव
और अ ट्रेड साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट, तो तीनों नाम में से कुछ भी नाम अगर पूछता है तो यही सेम मतलब होगा। अब अमेरिका में जैसे हुआ क्या था कि अमेरिका में जब 1929 एंड 1930 में डिप्रेशन आया था, तो इस डिप्रेशन की वजह से मेनी कंट्रीज फेस्ड प्रॉब्लम, राइट, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो है, हमारी जो कंट्रीज है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से। तो एक कंट्री में प्रॉब्लम हुआ तो उसकी वजह से सारी कंट्रीज में प्रॉब्लम हुआ, और इस सिचुएशन को एक नाम दिया गया था, वो था ग्रेट डिप्रेशन। याद रखना कौन सा ईयर ग्रेट डिप्रेशन वाला था, तो 1929 एंड 1930 को ग्रेट डिप्रेशन ईयर बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या है, इंडिया जो है कैपिटलिस्ट मार्केट मैकेनिज्म है, एवरी नाउ एंड देन डायमंड इंडस्ट्री में ये सिचुएशन होता है। देखो जहां पे कैपिटलिस्ट सिचुएशन काम करता है, राइट, तो वहां पे हर वक्त मतलब हर साल कोई ना कोई सिचुएशन ऐसा होता है जिसपे, एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं डायमंड इंडस्ट्री, डायमंड इंडस्ट्री में ये सिचुएशन बहुत देखने को मिलता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है स्टेट शुड इन्वेस्ट इन प्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। जो हमारी गवर्नमेंट है उनको क्या करना चाहिए, जो प्रोडक्टिव वर्क है, राइट, और डेवलपमेंट एक्टिविटीज लाइक रोड, बिल्डिंग, हॉस्पिटल, स्कूल्स, राइट। अब इससे होगा क्या, ऐसे जगहों पर इन्वेस्टमेंट करने से बेनिफिट क्या होगा, इट विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द नंबर ऑफ पीपल, देयर इनकम विल इंक्रीज एंड डिमांड विल इंक्रीज। देखो इनकी इनकम इंक्रीज होगी तो कंटिन्यूसली डिमांड इंक्रीज होगी, इफ डिमांड विल इंक्रीज डेफिनेटली द प्रोडक्शन विल इंक्रीज एंड अगेन पीपल विल गेट द एम्प्लॉयमेंट, राइट, तो एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल लॉजिक है, जब गवर्नमेंट ऐसे अलग अलग फैसिलिटीज लेकर आएंगे, अलग अलग जॉब्स की फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, जब लोगों को जॉब मिलेगा, ठीक है, अगर 100 लोगों को भी जॉब मिलता है, जस्ट इमेजिन 100 लोगों को जॉब मिला, तो ये जो 100 लोग इनकम अर्न करेंगे ये भी कुछ ना कुछ तो डिमांड करेंगे। जब ये प्रोडक्ट डिमांड करेंगे तो इनके डिमांड करने की वजह से जिस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट डिमांड कर रहे हैं वहां पे भी क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा, फिर वहां के लोगों की भी जॉब क्या होगी, इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज हुआ, सिचुएशन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये था हमारा सेकंड पॉइंट। बात करते थर्ड, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब फ्रिक्शनल में क्या है, ड्यू टू चेंज इन डिमांड प्रोडक्शन इन टेस्ट प्रेफरेंसेस न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू गुड्स। याद रखना है क्या क्या याद रखना है, ड्यू टू चेंज इन डिमांड प्रोडक्शन टेस्ट प्रेफरेंसेस एंड न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू गुड्स। जो इसके पहले वाला था, इसके पहले वाला कैसा था, टेक्नोलॉजी, राइट, यहाँ पे किसकी बात कर रहे थे, यहाँ पे ये बात कर रहे थे जब कंट्री का सिचुएशन जैसा होता है, राइट, प्रोस्पेरिटी है, डिप्रेशन, उसके बेस पे बात कर रहे थे। लेकिन हम बात करते हैं फ्रिक्शनल की, तो फ्रिक्शनल में क्या, ड्यू टू डिमांड प्रोडक्शन टेस्ट प्रेफरेंसेस न्यू टेक्नोलॉजी, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, न्यू टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, न्यू गुड्स की बात हो रही है। ओके, अब होगा क्या, इसमें डेवलप्ड नेशंस में ओल्ड प्रोडक्शन सिस्टम इज रिप्लेस्ड बाय न्यू, तो होगा क्या, प्रोडक्शन सिस्टम जो ओल्ड वाला है फेसेस लॉस एंड शटडाउन। जब जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं अगर वो लोग ओल्ड सिस्टम को रिप्लेस करके न्यू सिस्टम लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ओल्ड सिस्टम है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा, राइट, और वहाँ की प्रॉब्लम होगा। अब रिजल्ट क्या होता है, लेबरर इन दोज यूनिट्स रिमेन अनएम्प्लॉयड टिल दे डोंट लर्न। अब सिचुएशन ये होगा कि जब तक ये लेबरर जो ये पुराने मशीन्स पे काम कर रहे थे, जब तक ये नए मशीन्स को नहीं सीखते हैं, राइट, जब तक ये वो स्किल गेन नहीं करते हैं, टिल दे विल बी अनएम्प्लॉयड, राइट। अब ये कैसा शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बिकॉज वो सीख लेंगे तो अपने आप चीजें सही हो जाएंगे। जैसे स्मार्टफोन, अब स्मार्टफोन जब रिप्लेस कर दिया था ओल्ड फोन को, तो सिचुएशन क्या हुआ था कि जो ओल्ड फोन वाले काम थे वो क्या आगे रुक गए थे, जहां पे ओल्ड फोन का प्रोडक्शन हो रहा था, लाइक टच, ये जो हमारा कीपैड वाले फोन थे, तो वहां पे भी लोग वर्क कर रहे होंगे ना, तो उन लोगों को नया सीखना पड़ा कि नहीं, राइट। इवन जो दुकान में थे, जो दुकान चलाते थे फोन्स का, जहाँ पे कीपैड वाले सिस्टम बहुत चलते थे, लोग जाके अपना फोन बनवाते थे, वहां पे भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, राइट। तो इस तरह की सिचुएशन हमारे कंट्री में होती है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे अभी जब ये हुआ था कि स्मार्टफोन रिप्लेस हो गया था ओल्ड फोन से, तो लेबरर्स एंगेज्ड इन प्रोडक्शन सेल्स एंड सर्विस बिकेम अनएम्प्लॉयड। मतलब ये जो लोग ओल्ड फोन वाले में काम कर रहे थे, राइट, किसी भी फील्ड में ओल्ड फोन से रिलेटेड जो भी काम कर रहे थे वो सारा का सारा धीरे धीरे बंद होने लगा, राइट। तो इन लोगों को क्या करना पड़ा, कुछ दिनों के लिए अनएम्प्लॉयड हो गए, लेकिन जैसे इन लोगों ने स्मार्टफोन को सीख लिया, अगेन इन लोगों को जॉब मिल गया। एग्जांपल के तौर पे कंप्यूटर वर्क समझ लो, कि जब नया टेक्नोलॉजी आया था कंप्यूटर, तो जो लोग मैनुअली वर्क कर रहे थे, लाइक जैसे जो अकाउंटिंग का वर्क करते थे लिख लिख के पेपर का यूज करके, वो लोग कुछ दिन के लिए अनएम्प्लॉयड हो गए, लेकिन जैसे उन्होंने कंप्यूटर सीख लिया, टेक्नोलॉजी सीख लिया, अगेन उसको जॉब मिल गया, राइट। तो ये है अपना फ्रिक्शनल। तो तीन चीजें हैं याद रखना है, कौन सा याद रखना है, फ्रिक्शनल, ड्यू टू टेक्नोलॉजी, ड्यू टू चेंजेस इन डिमांड प्रोडक्शन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, राइट। एंड उसके बाद आपका क्या, साइक्लिकल, साइक्लिकल का मतलब कंट्री के सिचुएशन में चेंज हो रहा है, लाइक प्रॉस्परस है, डिप्रेशन है, इसकी वजह से हो रहा है। ओके, और हमारा जो फर्स्ट था वो क्या था आपका, डिसगाइज्ड, मतलब क्या है,
काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं है, ऐसा लग रहा है कि काम कर रहे हैं बट काम नहीं कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह का ये आपका हो गया टाइप्स। आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आ गई। ओके, जो भी चीजें हैं अच्छे से इसको नोट्स बना लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना। आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ओके, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आपका सपोर्ट ही बहुत है मेरे लिए, राइट। और ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है क्योंकि इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। और मैं पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस अपलोड कर दूंगा, अकाउंट का सिलेबस ऑलरेडी अपडेटेड है, मैं इकोनॉमिक्स का भी पूरा अपलोड कर दूंगा। एंड आई एम ट्राइंग की मैं स्टेट एंड बीए भी अपलोड करूँ, राइट। तो ये सारी चीज आपको फ्री में मिले, तो मुझे सिर्फ एक चीज आपका चाहिए, वो क्या है, आपका सपोर्ट। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसी तरह से आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।